ऑलराइट गाइस, पता है एक ब्लेंडर मिस्टेक होगी मेरे से। मैं सब कुछ लेके आया, एक्चुअली आज मैं दूसरा बैग लेके आया ना, तो मैं अपना चूल्हा लाना भूल गया। तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा चल जाएगा, एटलीस्ट मेरा खाना भी बन जाएगा और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, अदरवाइज वो बोर हो जाता है। ठीक है, आटा देख रहे हो कितनी छोटी प्लेट में गूंद रहा हूँ ये देखो, लेकिन यहाँ ठंडी बहुत कर रही, थोड़ा सा खटके लगाएंगे। हो गई देखा, इसलिए एक जगह फिलहाल ये हमारी रोटी है, गरम गरम पकड़ी के बाद। ऑलराइट गाइस, सो जाता हूँ, बाहर धुंध भी तकलीफ। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे। फिर से एक नया कैंपिंग का वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। तो आज की जो मेरी लोकेशन है छोटा कैलाश है। बाकी आपने पिछला व्लॉग में देखा होगा मैं छोटा कैलाश पहुंच गया था। तो अभी टाइम हो चुका है आपका 8 o'clock। तो लोकेशन चुनी है इधर पे, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा बड़ी घास भी है, तो इधर लगाने वाला हूँ। साइड में उधर मंदिर है, तो मंदिर के सामने में लगाने वाला हूँ कैंप। तो फटाफट सेटअप करते हैं, क्योंकि बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही। बारिश आने के बाद टेंट लगाना बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, आज मैं कुछ चीज़ें अपनी भूल के भी आया हूँ। अपनी बड़ी वाली तिरपाल भूल के आया हूँ, जो आज मैंने पता नहीं कैसे निकल गया मेरे माइंड से। एक तो बहुत लेट हो गई थी, तो थोड़ा सा ये बट हमें सो ऑलराइट गाइस, फाइनली मेरा टेंट सेटअप हो चुका है और यहाँ ना पता है कीड़े उड़े बहुत हो रहे हैं तो इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ना सब अंदर घुस जाएंगे तो दिक्कत होती है। रात को यही दिक्कत होती है, जहाँ लाइट जलती है वहीं सारे कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, तो भाई बहुत मेहनत लगती है सेटअप करने में, है ना। सो ऑलराइट गाइस, सारा कैंप मेरा सेटअप हो चुका है और अभी मुझे पानी लेके आना है। पानी की टैंकी थोड़ा सा यहाँ से आगे है तो मुझे पानी भर के लाना पड़ेगा, क्योंकि पानी यहाँ आसपास में मतलब है तो सही, लेकिन थोड़ा सा दूर है, टैंकी है तो वहाँ से इसको भर के लेके आऊँगा। 10 लीटर का एक केन है तो मेरा पूरी रात निकल जाएगी, ठीक है। तो पानी मैंने भर लिया है फिलहाल, तो ये इनफ रहेगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आज हो गई ब्लेंडर मिस्टेक। ब्लेंडर मिस्टेक ये है, मैं अपना चूल्हा लाना भूल चुका हूँ। अब भाई एक ऑप्शन है, या तो लकड़ी ढूंढो, आग जलाओ, फिर खाना बनाओ, या एक ऑप्शन है ऐसे ही सो जाओ। बट इधर एक नीचे कुटिया है, मैं अपना सारा सामान लेके कुटिया में जाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, बार बार आना जाना नहीं कर सकता। अगर वहाँ मुझे थोड़ी बहुत लकड़ी और चूल्हा मिल गया ना, मैं अपना खाना उधर बना सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ से सामान समेट के नीचे कुटिया पे जाऊँगा, सिर्फ अपना खाना बनाने वाला सामान लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद वापस से कैंप में आऊँगा, कैंप में खाना खाऊंगा। तो ये फुल टॉस एडवेंचर हो गया भाई मेरे लिए। तो फिलहाल अपना जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं कैंप में लेके जाता हूँ नीचे कुटिया पे, तो वहाँ खाना बन जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज तो क्या ही गए। आज फिर सारा रहेगा महादेव के भरोसे, ठीक है। सच में यार ब्लेंडर मिस्टेक होगी भाई, मुझे क्रॉस चेक करना चाहिए था अपना सामान, जो मैंने आज नहीं किया, ठीक है। तो फिलहाल ये रख लेता हूँ, आटा रख लेता हूँ, और अपना ये थोड़ा आलू रख लेता हूँ, ठीक है। लाइट की ज़रूरत नहीं है मुझे, वहाँ पे लाइट में एक लेके जाऊँगा। और क्या है, और मेरे बर्तन तो मुझे चाहिए होंगे इधर ही, बट मैं वहाँ पर हाँ चाहिए होंगे थोड़ा बहुत तो काम के लिए। और इसमें भी मेरे बर्तन हैं तो इनको भी ले चलते हैं, ठीक है। और मैं थाली लाना भी नहीं भूल गया आज, बहुत सारी चीज़ें मैं ना भूल गया सच में। ये सिर्फ ऐसा हुआ ना, मेरे पास टाइम की कमी थी और जल्दीबाजी में ये चीज़ें होती हैं, बट कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा बहुत एडवेंचर हो गया। चलो भाई नीचे चल रहे हैं हम, अपना खाना वाना बना के तो आएंगे वापस। अब तो हर महादेव, जय श्री राम। चलो लेट्स गो। सो ऑलराइट फैमिली, इधर लकड़ियां भी हैं, चूल्हा भी है, माचिस भी है, डीजल तो है मेरे पास, ट्राई करते हैं अगर जल जाए तो, है ना। कुछ लकड़ियां मैं तोड़ के लाए थे कि ये कच्ची भी हो सकती है। डीजल है मेरे पास, डीजल तो मैं लाया था बट जो पोपट हुआ मेरा मेन ये रहा कि मैं भूल गया चीजें सब गिनी है भाई, उम्मीद नहीं लग रही चलने की किसी की भी, अदरवाइज फिर आप भूखा सोना पड़ेगा गाइस। नो 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 नहीं भाई, आज तो फुल टॉस एडवेंचर होने वाला है। चलो भाई एक किल्ली तो जली, बट डीजल ना डेढ़ आग पकड़ती है, अगर ये पेट्रोल होता ना अभी तक तो धुआं धुआं हो जाता है करके ना, डीजल आराम से पकड़ती है। तो एक चीज़ हुआ कि आग जल रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि आग जल रही है अभी, तो मतलब स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा जल जाए तो ठीक है, एटलीस्ट मेरा खाना भी बन जाएगा और थोड़ा मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, अदरवाइज वो बोर हो जाता भाई। बहुत गील है इधर ना, एक्चुअली पानी आ रहा है, पानी है इधर, सब पानी भरा हुआ है, बट इधर सामने सब्जी वब्जी रखी हुई है, जैसे कोई फंस जाता है ना ऐसे, तो ये चीज का यहाँ पर रहता है कि रख देते हैं। यहाँ लाइट भी थी बट लाइट अभी गई हुई है लग रहा है, कुछ लाइट वाइट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मेरी आग जल जाए। सारी कच्ची लकड़ियाँ ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ भी कौन लेके आएगा, पंडित जी आते जाते ले आते होंगे कुछ कुछ। पड़ी हुई लकड़ियाँ मिली, कील वील हैं इस पर, बट फिर भी ट्राई करता हूँ उनके टुकड़े बनाने के, ठीक है। क्योंकि ये लकड़ियाँ ना कम है, ये जलने जलने तक ही बुझ जाएंगे, क्योंकि कोयले नहीं हो पाएंगे अदरवाइज। बहुत हार्ड है, फट नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही जलाया जा सकता है, ट्राई कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से मेरे आलू बॉइल हो रहे हैं। एक्चुअली इस लकड़ी में ऐसा कुछ छेद है ना, तो मैं इसको लगा के ऐसे कर रहा हूँ बॉइल, क्योंकि आलू बॉइल होंगे नहीं होंगे पता नहीं, क्योंकि ये चूल्हा जो है ना बहुत छोटा है, मतलब बर्तन बहुत छोटा है, चूल्हा बहुत बड़ा है। ट्राई करते हैं कैसा होता है, सीन बहुत है एडवेंचर। ऑलराइट गाइस, आलू तो मैंने जैसे तैसे बॉइल कर लिए, बस मैं सोच रहा था आज वैसे आलू के गुटके और रोटी बनाऊंगा, बट चलो फिर भी ट्राई करते हैं। चूल्हे की रोटी तवे में ही सेक लेंगे, ठीक है। एक तो ये मेरा बर्तन बहुत छोटा है, चूल्हा बहुत बड़ा है, तो वो दिक्कत हो जा रही, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आलू में कसर है, वो बाद में बनाने में पक जाएंगे, ठीक है। मैं आज ना बड़ी थाली भी नहीं लेके आया, तो मैं आटा देख रहा हूँ कितनी छोटी प्लेट में गूंद रहा हूँ, ये देखो। लेकिन यहाँ ठंडी बहुत है यार, यहाँ ओस दबा के गिर रही है, ठीक है। कोई नहीं, मैं इसी में उतरूंगा, क्योंकि मुझे कितना चाहिए भाई, थोड़ा सा तो चाहिए, चार रोटी है ना। ये है कि जितनी थकान लगी है उसके लिए थोड़ा सा खाना जरूरी है, हो जाएगा। मेरी सब्जी बन चुकी है, आई सो यू, दिखाता हूँ आपको। बड़ी मुश्किल से मैंने आलू की सब्जी बना ली, इस ड्राई वाली, ठीक है। सब्जी मेरी बन चुकी है, तो अब है मेरी रोटी की तैयारी। एक्चुअली मैं सामान सब लेके आया था, अपना तवा, अपना बेलन, अपना चकला, ए टू जेड सब, ठीक है। सिर्फ मैं भूला तो अपना स्टोव, गैस की केन भी लेके आया हूँ, स्टोव भी लेके आया हूँ, सब ए टू जेड। और आटा मैंने ये गूंथ के रख लिया है, देख लिए, ठीक है। अभी मैं रोटी बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ। एक तो इधर अंधेरा अंधेरा हो रखा है, इसको ऊंचे ऊंचे में रखूँगा, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करते हैं बनाने का, ऐसी रखनी पड़ेगी। ये चगो नहीं है ना, एक तो इधर जाली वाली में सब लेके आया था, देखो ये मेरी जाली। अभी ना इसमें अब मेरे को साइड में कहीं ना कहीं सेकनी पड़ेंगी, तो हमें सेकनी पड़ेंगी रोटियाँ, ट्राई करता है। तो चिपक गया भाई। ठीक है, 5-6 रोटियां बन जाएंगी आराम से, ज़्यादा हो गया आटा। ट्राई करता हूँ व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, मेरे से ना एक्चुअली या तो मैं वहीं देख पाऊंगा या यहीं देख पाऊंगा, इसलिए एक ही जगह देख रहा हूँ। फिलहाल ये हमारी रोटी है, गरम गरम पक गई है भाई। सो फैमिली, खाना बना के लेके आ चुका हूँ। हाथ भी जल गया थोड़ा, ये सूज गया। चलो कोई नहीं, कल भी जला था इधर हाथ पूरा ही, ये वाला हाथ जला था होटल पे, ये भी जल गया। तो फटाफट अपना कैंप खोलते हैं। ओह भाई, आज पोपट तो तगड़ा हुआ था बट सब ठीक हो गया है। खाना मेरा बन चुका है मस्त करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि खाने वाने में कोई प्रॉब्लम, ऑल वेल बढ़िया हुआ सब। मौसम अभी खुल चुका है, अभी यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे दिखाऊंगा, लाइट है। ठीक है, कहाँ कहाँ दिखती है। तो फटाफट पहले मैं खाना खा लेता हूँ। ठीक है, खाना वाना खाते हैं। रोटियाँ तो मैं ऐसे ही पैक करके लाया था इस पर। तो शुरू करते हैं खाना भाई फटाफट, है ना। लेट भी हो चुके हैं, टाइम अच्छा खासा हो चुका है। थोड़ा कीड़े मकोड़े भी आना शुरू हो चुके हैं अब तो। सब्जी आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं बाकी हरी मिर्च में जितनी थी ना सामान वहीं रखा है, क्योंकि किसी और के काम आ जाएगा। 1-2 हरी मिर्च ले आया अपने से, और बाकी बना हुआ खाना तो कोई खाएगा, मतलब कौन ही खाएगा, है ना। तो अपना फटाफट रोटी, और ये देखो भाई इस तरीके की रोटी बना रखी मैंने, बताना कैसी बनी है। बाकी आलू की सूखी सब्जी, मज़ेदार, विदाउट लहसुन विदाउट प्याज, क्योंकि मंदिर पे ये चीज़ हम नहीं खा सकते। मिर्च तो खतरनाक हो रही, बट ये स्वादिष्ट है। कभी कभी बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आई थिंक कि मैं ये भूला होऊंगा तो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ का ना एडवेंचर था कि कहीं फंस जाओ तो कुछ ना हो तो कैसे सरवाइव करें। तो ठीक है, हम आदी हो चुके होते हैं ना, टेक्नोलॉजी के आदी हो चुके हैं, लेकिन ये चीज़ भी अच्छी थी आज, वेल एंड गुड। लेकिन ये था कि कहीं और होता तो मैं फंस जाता, बट मेरे पास आग जलाने की व्यवस्था और बर्तन होने चाहिए थे, अदरवाइज़ तो सब बन जाता है। बट सिर्फ आपके पास आग जलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, खाना तो कहीं भी बन जाता है ना। गाइस, ये सामने जो दिख रहा ना आपको, ये है हल्द्वानी। तो मुझे यहाँ से फ्लैश जलाना पड़ेगा। ये वाला हल्द्वानी है, इस साइड आपका सामने भीमताल हो गया, इस साइड को आपका रौसिला, पसोली, हेडाखानी, ये सब कुछ हो गया। और ये हमारा आसियाना है, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर मैंने ना एक, मेरे पास लाइट थी, मैंने पन्नी से बांध दी है। देखिए, आप लोग सोचेंगे कि लाइट है, ये मैंने पन्नी से बांधी हुई है ताकि यहाँ पर लाइट बनी रहे। ठीक है, और धुंध आ रही है, देखो धुंध अभी भी है और एकदम से आ जा रही है, बहुत तगड़ी धुंध आ रही है, नीचे को सारी धुंध है उस साइड। खाना पीना सब हो चुका है, बर्तन वर्तन सब धो दिए हैं, बाकी सामान सब सेट कर लिया है। बाकी नेटवर्क तो आ नहीं रहा इधर जो लाइट जा सके। बाकी टाइम हो चुका है आपका 11:30। तो अब ऐसा करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं मस्त करके। ठीक है, तो अब विंटर पे स्लीपिंग बैग ज़रूरी है। मोस्टली आपने देखा होगा मैं स्लीपिंग बैग लेके नहीं जाता हूँ, बट विंटर पे स्लीपिंग बैग ज़रूरी है। ठीक है, और वैसे भी हल्द्वानी मतलब प्लेन साइड पे नहीं है, मतलब अभी मैं हिल्स पे आया हुआ ना, तो आपको दिख रहा होगा धुंध भी आ रही है तगड़ी, तो यहाँ पे कंपलसरी है, अदरवाइज हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो मैं रेस्ट करता हूँ अंदर मास्क करके, इसमें घुस जाओ बस बढ़िया करके। ठीक है, थोड़ा हिलना डुलना कम पड़ता है इसमें, और बाकी इसको बंद कर देता हूँ। बाय बाय। ऑलराइट गाइज, सो जाता हूँ। बाहर धुंध भी तगड़ी आ रही है, अगर लाइट ऑन रखूँगा ना तो बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाएंगे इधर, जो मैं नहीं चाहता हूँ बाहर चले जाएं सब। तो मैं सो जाता हूँ और लाइट सब मुझे बंद करनी पड़ेगी। मॉर्निंग गाइस, अभी हो चुका है मॉर्निंग आपका 6 o'clock, और ट्राई करते हैं सनराइज यहाँ से दिखाने का आपको। बस यही है कि धुंध ना आ जाए, और मौसम बढ़िया था, रात को बारिश नहीं हुई बस। तो आई होप फैमिली आप लोगों को मेरा कैंपिंग का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत एडवेंचर, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स, तो ये चीज़ें से मतलब ना, वो बोलते हैं ना, मैं अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो सनराइज़ देखो क्या मस्त हो रखा है। तो अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, बहुत नीचे निकलना है, उसे 3-4 किलोमीटर का जो ट्रैक है सामान के साथ उसको डाउन करना, घुटनों पर बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक शेयर और प्यार से कमेंट कर देना, भाई को करना सपोर्ट। तो बाकी यहाँ से जो नीचे की जर्नी हो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय।